हर किचन में शोर शराबा कंफ्यूजन होना जायज है यार. इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द किचन इज इन अ फाइव स्टार रेस्टोरेंट या फिर इन अ देसी ढाबा ऑन द हाईवे. एंड सतेज इज कोपिंग रियली वेल विद द प्रेशर एंड इट लुक्स लाइक वी विल हैव अ ग्रेट मील फ्रॉम द फाइव स्टार शेफ एट हैंड. फाइन फाइन ओके विल गो विद दोस थ्री डिशेस एंड विल ट्राई टू सेल दोस थ्री डिशेस. इट्स फाइन. वन थिंग डिड नॉट वर्क आउट. इट्स फाइन. मेरे पूरे दिन की मेहनत खराब हुई है बिकॉज फॉर दिस पनीर बिरबली डिश आई वेंट आउट टू बाय सैफरन, आई वेंट आउट टू बाय खोया एंड फाइनली आई कुड नॉट सर्व इट. सो रियली आई एम लिटिल अपसेट बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट दिस थ्री डिशेज विच आई एम सर्विंग पीपल विल लाइक इट. थोड़ा सा नाराज था, एक डिश बना नहीं पा रहा हूँ. ठीक है मेरा, जो करेंगे अच्छे से करेंगे. तीन डिश करेंगे लेकिन बहुत अच्छी करेंगे. अंदर गया और जुट गया, बाकी तीन डिश बना मैं. As expected, the evening brings in hungry customers. अभी टाइम हो गया, कस्टमर आना चालू हो गया, रेस्टोरेंट भरना चालू हुआ. तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कैसे खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे कि नहीं, तैयार हो रहे कि नहीं. With customers pouring in, the kitchen is in full swing. It's showtime. आज के स्पेशल मेनू के चिकन पनीर टिक्का रोल, चिकन कटी रोल, मसाला मच्छी थाली. एक मसाला मच्छी लाना और एक पनीर टिक्का, दो प्लेट पनीर टिक्का. ओके. And the first order is from the special menu. एक पनीर टिक्का रोल, एक चिकन मसाला, एक पनीर टिक्का मसाला, एक आलू परोठा, एक वेज बिरयानी, चार बटर नान. बढ़िया, ठीक है, चलो. और एक ऑर्डर है. कोई भी कैसे भी आके ऑर्डर दे रहा है, मैंने बोला नहीं, मुझे कंट्रोल करना है. छोटी सी किचन है लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि आज करना ही है हमको. ठीक है, चलो भाइयों. राजू जी आ जाओ, खड़े रहो यहाँ पे. तुम पहले मारना, एक नान मारना पनीर टिक्का रोल के लिए. ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट के बाद एक आलू पराठा मारना. राजू जी ऑर्डर सुन लो. ठीक है, पहले है चिकन मसाला, एक चिकन मसाला मारो, एक पनीर टिक्का मसाला. ठीक है, इसके बाद नहीं, आप ये दो कीजिए, मैं पनीर टिक्का रोल के लिए आपको हेल्प करता हूँ. उसके बाद एक वेज बिरयानी भी है. रामू दो पोर्शन पनीर टिक्का मारना, दो पोर्शन, दो सरिया पनीर टिक्का मारना. ठीक है, काम डिवाइड कर लिया है मैंने. ऑर्डर बता दिया, तंदूर वाले को बता दे, करी वाले को बता, लेकिन फिर भी मुझे भी अंदर जाके काम करने की ज़रूरी है. मसाला अपनी तली मछली निकाल, मछली निकाल, फिश. अच्छा दूसरी चीज़, पैन अपने पास कितने, दो ही पैन है. मैंने बोला ठीक है मैं फिश बनाता हूँ. मैंने फिश बनाने के लिए पैन लिया, पहले उसकी रेंज है वो चल रही नहीं है. धीरे धीरे आज चलेगा. हाँ जी बोलो. चिकन बिरयानी, एक पनीर टिक्का रोल. ठीक है, पहला ऑर्डर पहले निकालेंगे हम लोग भाइयों. और ऑर्डर्स आ रहे हैं पर पहला ऑर्डर तो अभी तक बना भी नहीं. इट्स रियली डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक द फर्स्ट ऑर्डर विल गो प्रॉपर्ली बिकॉज़ आई डोंट नो. सी हाउ इज डूइंग. आई नीड टू गिव हिम डायरेक्शन, डू दिस, डू दैट. रियली डिफिकल्ट बट इट विल बी ओके. आई विल टेक केयर. Something's fishy and it's in the pan. Last on the special menu, masala tali machli.
The gas range is also not right. The control is bad. बहुत fast है. फिर उसका pan ऊपर नीचे ऊपर नीचे. They don't have nonstick pans. How can I cook the fish? फिश बनाने चालू की, बहुत धुआं होने लगा. पैन बीच में से जल गया. मैंने ठीक है साइड साइड में रखे, प्यार से उसको फ्राई करना चालू किया, लेकिन बहुत धुआं हो गया किचन में. मैं फिश पे ध्यान दे रहा था, राजू कुछ अलग बना रहा था, और सुबह मैंने किसी बंदे को बताया था कि पनीर टिक्का रोल, चिकन टिक्का रोल कैसे बनाना है, कैसे काटना है, कैसे रोल करना है. मैंने उसको अलग कर लिया. चलो इसको काटो, इसमें रखो, चटनी दो, सैलेड दो और जाने दो. ठीक है, अगले बार टेढ़ा काटना. एक सिंपल सी चीज़ वो नहीं कर पा रहा था, पनीर टिक्का रोल स्लांट में काटना है. मैं उसको बता रहा हूँ ऐसे रख, वैसे रख, वैसे रख. अरे ठीक है, इससे कुछ जमेगा नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ. आई शोड हिम हाउ टू प्लेट इट बट ही डजंट नो इट. मैंने दूसरी प्लेट लेके आया, ऑर्गेनाइज कर दिया, भेज दिया. पहला ऑर्डर टाइम पे चला गया था. मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने उनको प्रैक्टिस दिया था, मैंने उनको दिखाया था, हाथ पकड़ के सिखाया था कि कैसे करना है. लेकिन देखो पनीर टिक्का रोल कैसे, एक पनीर टिक्का रोल वेस्ट गया है. ठीक है, ये मैं सर्व नहीं कर पाऊँगा. राजू जी तीसरा ऑर्डर निकालना चालू करो. खाना रेडी है, काउंटर पर पड़ा है, लेकिन कोई पिकअप करने आ रहा नहीं. मेरा रूल है अगर हम लोग इंडियन खाना बना रहे हैं तो रोटी जब तक वेटर आता नहीं अंदर तब तक हम सर्व नहीं करेंगे. क्यों? रोटी जो टेबल पे जाएगी हर रोटी क्रिस्पी होगी और फ्रेश होगी. मैं नहीं चाहता हूँ कि रोटी मेरे काउंटर पे 10 मिनट के लिए पड़ी रहे. बाजू में तो खाना भी पूरा होगा, अभी तक इसको ऑर्डर दिया आया है. लेकिन वेटर कोई आ रहा नहीं है, मुझे मालूम नहीं क्या करना. फिर मैंने चिल्लाना चालू किया, रवि यहाँ पे खाना जा रहा नहीं है, सब रेडी यहाँ पे, खाना ठंडा हो गया. ऐसे मेरे को और एक डिश देगा प्लीज, दो डिश देगा, दो डिश. खाना भी कम है, खाना भी कम है. नया ऑर्डर रेडी है, सब कुछ जाने के लिए रेडी है, लेकिन एक सैलेड के लिए रुका है. बंदा सैलेड काट रहा है गंदे से चॉपिंग बोर्ड पे. आई कांट डू एनीथिंग हियर बिकॉज दे डोंट हैव चॉपिंग बोर्ड. ऐसे स्लांट हुआ है पूरा वुडन चॉपिंग बोर्ड, उस पर वो काट रहा है और टेबल पे गिर रहा है. मैंने उसको बोला भाई टेबल पे मत गिरा, प्लेट दिया. उसने काट के रखा प्लेट पे, दूसरा काटने लिया वापस सब कुछ गिरा है. तू ठीक से साफ कर, साफ सफाई से काम करना. ये तूने वापस नीचे गिराया है, वो निकाल के रख. ठीक है, इसमें अनियन नहीं डाला तूने, इसमें अनियन भी डाला सैलेड में, और टेबल साफ करना. Chef Satej still has cleanliness on his mind. And he makes sure that everyone adheres to it. फिर रवि किचन में मुझे पूछ रहा है, कस्टमर वहाँ पे वेट कर रहा है, कस्टमर चिल्ला रहा है खाना क्यों नहीं जा रहा है. और 12 नंबर का ऑर्डर भी निकला मतलब 12 नंबर का ऑर्डर कभी से खड़ा है, मैं कभी से चिल्ला रहा हूँ, कस्टमर चिल्ला रहे होगा. मैं वही बोला 12 नंबर का सारा ऑर्डर यहाँ पे रेडी है, लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक रोटी बनेगी नहीं. पहले ऑर्डर में ऐसे हुआ, ऑर्डर बन के रेडी है, पिकअप करने कोई नहीं है, रोटी ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, पूरा रेडी है. आप लड़के को इधर खड़ा करो, आपको मिलेगा. उसने मेरे पास देखा, उंडी लाई, चला गया अंदर. मतलब क्या ओनर क्या है ये, खाना काउंटर पे पड़ा है, उसको कुछ पड़ी नहीं है. मैं बोल रहा हूँ मैंने सोचा ये खुद लेके जाएगा और कस्टमर को सर्व करेगा, लेकिन नहीं, मालिक है ना वो, ढाबे का मालिक. बार बार रवि किचन के अंदर आ रहा था और राजू को बाजू में लेके पूछ रहा था कि राजू ये किधर है, वो किधर है. यहाँ पे शेफ मैं हूँ, वो मुझे क्यों नहीं पूछ रहा, मैं पूरा काउंटर हैंडल कर रहा हूँ. फिर से किचन में रवि आया, मैंने इसको बोल के फ़ायदा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है. उसके बाद उसका दोस्त भी है उसको मिलने को, वो भी किचन के अंदर. हे कैसे है, क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, किचन में कोई भी आ सकता है.
what is happening. I really don't know what is happening. बिना ग्लव्स के, बिना कैप्स के, बिना शूज पहने क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? I don't know. This is the way they work. I don't know. I really can't understand now. I need to go out. फिर मैंने बोला बस हो गया, अभी और नहीं कर पाऊंगा मैं. मन में विचार रहा था करूँ कि नहीं करूँ, क्या निकल के जाऊँ. मैं किचन से बाहर निकल गया. Quite irritated, Chef Satej decides to take some time off. He has had enough. It takes Dhaba owner Ravi to convince him to get back into the kitchen. Bhaiyo, topi kidhar hai bhai? Topi kidhar hai topi? Bhai sahab, aapki topi kidhar hai? 5 minute ke liye bahar gaya, tum logon ne topi nikal di. Kyun? किचन में काम चल रहा था, धीरे धीरे ढकेल रहे थे. लास्ट ऑर्डर आया. चलो चलो चलो, एक लास्ट ऑर्डर बाकी पेंडिंग है, आने दो जल्दी. चलो लास्ट ऑर्डर. जब उसका बिल गेस पे कर रहा था, मैं गया बाहर. मैंने उनको पूछा कि सर आज आप यहाँ पे आए, आपको कैसे लगा? नमस्ते जी. नमस्कार. मैं आज का शेफ हूँ आपका, एक दिन के लिए आया था. आज आप मेरे लास्ट कस्टमर हो, तो जानना चाहूँगा खाना कैसे था? सर बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगी, बहुत ही अच्छी. थैंक यू जी. प्लीज़ यहाँ पे आते रहिए, हमारे यहाँ के जो ओनर है बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हमेशा आते रहिए. थैंक यू. दे वर रियली हैप्पी, लिटरली मेड माय डे एट दैट मोमेंट. रवि चलो, मैंने मेरी असाइनमेंट कंप्लीट कर दी, ठीक है? आपके साथ काम करके खुशी हुई. कैसा लगा एक्सपीरियंस? कैसा था एक्सपीरियंस? सच में बहुत ही अलग था, क्योंकि 5-star होटल में काम करना और यहाँ पे मतलब पूरी अलग ही दुनिया है. थैंक यू. टेक केयर. रवि को बाय बोला, मैं अंदर गया. मैंने टूल्स इकट्ठा करी. जैसे मैं टूल्स अपने भर रहा था, मैं सोच रहा था दिन में आज मैंने 3-4 बार सोचा आई कैन नॉट डू, आई नीड टू क्विट. लेकिन बोला नहीं, ये मेरी असाइनमेंट है, मुझे कंप्लीट करनी है. आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज बैक, आई नीड टू कंप्लीट इट. मैंने कंप्लीट कर लिया है. I'm really happy. I'm really happy. I really learnt a lot today. I used to think I work in a hotel, I do this, I do that. But that dhaba, it was different. Two different worlds. Everybody cannot manage there. Everybody cannot work there. But really, if these people can work there, hats off to them. मेरा लास्ट कस्टमर खुश जा रहा है, मेरा मोमेंट ऑफ द डे यही है. मेरे सारे कस्टमर खुश हैं. इस डिजास्टर में कुछ काम करना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने कोशिश करी और आई एम सक्सेसफुल. शेफ सतीश शोड अस दैट किचन का राजा होना भी एक आर्ट है. भले वो 5-star का स्वैंकी किचन हो या एक जुगाड़ू ढाबा, रूलिंग द किचन इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. द ड्रीम मेन्यू वाज रेडी ऑन टाइम, डिलिशियस एंड लेफ्ट एवरीवन वांटिंग फॉर मोर. सो अ सुपर थम्स अप टू हिम. सो आई एम श्योर यू ऑल आर हंग्री फॉर मोर एंड हैव नो फियर, वी विल बी बैक टॉसिंग पीपल इनटू न्यू जॉब्स, एडिंग सम स्पाइस कॉल्ड सरप्राइज एंड सम शॉक फॉर सीजनिंग इन आवर सिग्नेचर डिश कॉल्ड द असाइनमेंट.